माने अक्षय तृतीया के शुरू होने से 5-7 दिन के अंदर चारों धाम के फाटक खुल जाते हैं। जिस सीक्वेंस में खुलते हैं 1, 2, 3, 4 उसी सीक्वेंस में बंद होते हैं। पहले यमुनोत्री के फाटक बंद होते हैं, फिर गंगोत्री के फाटक बंद होते हैं, फिर भैयादूज के दिन केदारनाथ के फाटक बंद होते हैं, और भगवान बद्रीनाथ जी के फाटक 17 नवंबर या 18 या 19 3 दिन में से जो भी दिन सही होगा उसका मुहूर्त दशहरे के दिन होगा। 5 तारीख को जो आ रहा है उस दिन उसका मुहूर्त होगा। उस दिन पता चला कि 18 को होने या 19 को होने या 17 को होने, 3 दिन में से एक दिन होगा, ना 16 को होगा ना 20 को होगा, क्योंकि कार्तिक खत्म होता है 15 नवंबर के दिन। 16-17 में 2 स्थान मार्गशीर्ष के होने जरूरी है, उसके बाद भगवान बद्रीनाथ जी के फाटक 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। हरिद्वार से हरि का द्वार जब आप आगे बढ़े हैं तो देवभूमि में आपने प्रवेश कर लिया है। इस समय आप 84 करोड़ देवता आपके सामने साथ चल रहे हैं। ये धूम भूमि है हमारे यहाँ। तुम्हारे जो कोई मरता है उसका सिर उत्तर की तरफ कर देते हैं, इसका प्राण वायु उत्तराखंड में जाए जहाँ देवभूमि कहा गया। पहले लोग यहाँ 3-3 महीने पहुँचते थे, पैदल का जमाना था। आज से 70-80 साल पहले तो कहते थे जो जावे बद्री सो नावे बद्री, आवे बद्री तो कभी ना हो दरिद्री, टाटा वाई वाई करके आते थे। जमाना कुछ वैसा था, चने की दाल को बांध के लाते थे क्योंकि 2-2 महीने में बरसात का समय था, सारा गुड़गोबर हो जाता था, इसलिए चने की दाल एक ऐसा प्रमुख है। अब उसके बाद काजू किशमिश जो आए है ना, ये तो श्रृंगार है। लड़की को जितना मर्जी सोना पहना दो, जितना मर्जी जो, वो तो उसकी सुंदरता के लिए है, अदरवाइज जो मेन है वो चने की दाल के बिना प्रसाद नहीं है। अब तो जमाना बदल गया है, एक दिन में आपके बाईर आकर के एक दिन में आप मौलाना से पोर्सा से यहाँ आ सकते हैं, शाम को घर जा सकते हैं। पहले अब साधन हो गए हैं, पहले साधन नहीं थे, इसलिए बड़े भाग्य मानस तर बाबा। पहले लोग शरीर छोड़ने आते थे, अब शरीर कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन शरीर से कमाया हुआ धन आदमी छोड़ सकता है। आपके पंडित जी आपके इलाके में हर साल आते हैं, पोर्सा में हर साल 2-2 महीने घूमते हैं, शायद किसी के घर नहीं गए होंगे, अगर गए हैं तो बताना किसी घर गए आपके घर पे से। पहले गए थे ना, पहले गए थे। हाँ, जब कोई यहाँ आता है उसी के घर जाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके घर में पड़ोस में आप आए हैं, इनका घर में बगल में है, आपने बुलाया तो इनके घर में नहीं घुसेंगे, क्योंकि अभी आज्ञा नहीं है। जिस दिन फाटक बंद होते हैं रावल जी की यहाँ से आज्ञा लेनी पड़ती है, यही आशीर्वाद मिलता है। आप उनके घर में जाइए, जिन्होंने दक्षिणा देने के लिए घर में आपको निमंत्रण दिया है, और उसके घर में जाइए, उसके बाल बच्चे नाती पोता को घरवार को आशीर्वाद दीजिए। जो घर में मेंबर रह गए हैं वो अगर पंडित जी के दर्शन कर लेंगे तो उनको भी यात्रा का फल मिलता है।